तो देखिए कितनी टेस्टी और मज़ेदार ये तिकोना पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाने में बहुत आसान है। आप इसे अपने घर में बनाकर ज़रूर खिलाएं, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सा लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, आर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई। राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटकने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ। थोड़ी देर के लिए इन्हें पकने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि जो मिर्ची है उसके अंदर का कच्चापन चले जाए। मिर्ची की क्वांटिटी को आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। यदि आप इस नाश्ते को थोड़ा सा कम तीखा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम कर लीजिए। मिर्ची भी अच्छे से यहाँ पर पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। थोड़ी देर के लिए प्याज को भी हम चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज भी यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं, मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने मैश कर लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे मसाले के अंदर, और इस तरह से आलू को हल्के हल्के हाथों से मैश भी करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर जो आलू के बड़े टुकड़े हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो मैंने आलू को यहाँ पर मसाले में अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नींबू का रस। आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं नींबू के रस की जगह, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारे यहाँ पर टेस्टी डिलीशियस आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब एक बाउल में हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से 1.5 कप मैदा ले लिया है। आप यहाँ पर किसी एक चीज़ का मेजरमेंट कर लें, आप चाहें तो यहाँ पर कटोरी का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो नमक है और बेकिंग पाउडर है वो अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर सारी सामग्री अच्छे से मिल चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 आलू। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आलू को हम पूरे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। पानी हमें नहीं डालना है अभी। तो मैंने यहाँ पर आलू को मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये बहुत ड्राई लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और मैंने यहाँ पर आटा लगाने के लिए 1/4 कप से थोड़े से कम पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो ये आटा है ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। बाई चांस ये आटा ज़्यादा गीला हो भी जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लें, क्योंकि हमने इसमें आलू मिलाया है तो आलू में भी मॉइस्चर होता है, तो इसलिए इसे गूंथते समय आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना होगा। तो अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो आलू का मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। तो मैंने इस तरह से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप बना ली है, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से स्ट्रिप बनाकर रख लें, जिससे कि ये नाश्ता बनाने में आपको आसानी हो। 5 मिनट भी हो गए हैं, तो ढक्कन को हम हटा देंगे। यहाँ पर आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार आटे को हम अच्छी तरह से मसल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। इस तरह से लोई बना लेंगे इसकी हम। तो इस लोई के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसे बेलेंगे। तो इस तरह से हम इसे बेलेंगे। इसे हमें पतला बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अभी मैं आपको थिकनेस बताऊंगी। जो हमने मैदे के अंदर आलू डाला है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस नाश्ते का। आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रोटी बेल ली है, ये देखिए। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ पास से, ये देखिए। इस तरह से आपको रोटी बेलनी है। अब इस रोटी को उठाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे, और जो बचा हुआ आटा है उसकी भी हम इसी तरह से एक रोटी बेलकर रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी को भी बेलकर रेडी कर लिया है।
अब जो हमने ये आलू की स्ट्रिप बनाई है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस चीज का ध्यान रखें, आपको यहाँ पर थोड़ी सी दूरी रखनी है आधा इंच की। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों रखना है आपको इस तरह से एक इंच की दूरी। तो मैंने यहाँ पर सारी स्ट्रिप को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी, इस रोटी को भी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से सावधानी से रखें कि जो सारी स्ट्रिप है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। और उसके बाद इस तरह से रोटी को आप जो हमने किनारे छोड़े थे आधा आधा इंच के, उस पर लाकर इस तरह से चिपका दें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप इस तरह से स्ट्रिप रखें तो आधा आधा इंच की जगह छोड़ दें रोटी में, ताकि जब हम इस तरह से इसे चिपकाएं तो ये इजिली से चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से सारी रोटी को आपको चिपकाना है। अच्छी तरह से चिपकाइए, नहीं तो ये खुल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर रोटी को अच्छी तरह से चिपका दिया है और बीच में मैंने इसे हल्का सा प्रेस कर दिया। ये देखिए, क्योंकि हमें इसे कट करना है, इस तरह से सेंटर में मैंने दबा दिया है। अब हम चाकू की सहायता से कट करेंगे। तो इस तरह से हम इधर से चाकू रखेंगे और इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी से कट जाएगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको काटने में। इसे इस साइड्स पे रखेंगे आप और इसे इस तरह से कट करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, काटते समय आप चाकू पे थोड़ा सा मैदा लगा लें, ताकि ये आप जो आपकी चाकू है ये चिपके नहीं। और इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में सभी को कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी इजली से कट गया। अब इस तरह से हम एक ट्रायंगल उठाएंगे, ये देखिए, और इसको उठाकर हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से खुला है तो इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से हम चारों साइड से इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे और एक एक पीस को उठाकर हम इसी तरह से सेट करके रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को रेडी करके रख लिया है। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम एक एक पीस उठाकर इसके अंदर डालेंगे, जितने पैन में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर चार पीस डाल दिए हैं, बाकी के मैं बाद में फ्राई करूंगी। अब एक साइड से इन्हें हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। तो ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देंगे। तो इस तरह से थोड़ी सावधानी से हम इन्हें पलटेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर ही आपको इन्हें फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिए, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब इसी तरह से इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इसमें दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। वाओ, तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार ये त्रिकोना पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाने में भी आसान है। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर खिलाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सा लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।